नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल, कांग्रेस सांसद नकुलनाथ के प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व पर बोले गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, कांग्रेस में बुजुर्गों का नेतृत्व करेंगे कमलनाथ, युवाओं का नकुलनाथ, बाकी कांग्रेस अनाथ। कोरोना में पहली बार कई चीजें हो रही हैं, वर्चुअल कैबिनेट में कोई अचरज नहीं है। कोरोना संक्रमण विश्व भर में फैल रहा है, केवल भोपाल और एमपी ही संक्रमित नहीं है। हमें उम्मीद है लॉकडाउन से लाभ होगा। जेल प्रहरी की भर्ती पर कहा कि सभी तकनीकी समस्याओं का हल निकाला जाएगा, रोजगार के लिए निकाली जा रही है भर्ती। नए कैदियों का पहला परीक्षण किया जाएगा, इससे पहले उन्हें क्वारंटाइन में रखा जाएगा। सरकार सुप्रीम कोर्ट के हर आदेश को मानेगी, हर जिले में बनाए जाएंगे महिला थाने, सरकार कर रही है विचार। चंबल एक्सप्रेस के लिए लगातार काम हो रहा है, केंद्र और राज्य दोनों सरकार दे रही योगदान। 12वीं के रिजल्ट के लिए सभी विद्यार्थियों को बधाई, टॉपर्स को दिए जाएंगे लैपटॉप। जेल प्रहरियों की भर्ती निकाली है, आज से ये प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो गई और 10 अगस्त तक चलेगी, अंतिम तारीख आवेदन की। लॉकडाउन में कैसे एमपी ऑनलाइन खुले नहीं है, कैसे करेंगे बच्चे लोग? अगर कोई तकनीकी दिक्कत होगी, जैसा आपने कहा कि लाइन नहीं खुली है, तो उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है, पर आज वर्तमान में रोजगार की आवश्यकता तो है। दोनों चीजों का सामंजस्य मिलाना है कि हमने पुलिस के बारे में भी सोचा, जेल के बारे में भी सोचा। भर्तियां निकालने के पीछे एक युवा को आस भी रहती है, अगर कोई टेक्निकल दिक्कत है तो उसे दूर करने की कोशिश करेंगे अथवा विचार पुनर् करने की कोशिश करेंगे। तो प्रदेश के एक बात और, मैं आपके माध्यम से, आपने चूंकि जेल से जुड़ा सवाल पूछा है और वो विभाग मेरे पास है, इसलिए मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि अब हम इस पर भी विचार कर रहे हैं कि जो हमारे कैदी आते हैं, नए कैदी जेल के अंदर आते हैं, उनका पहले परीक्षण हो और परीक्षण के परिणाम के बाद उनको अंदर बैरिक में लिया जाए। तब तक उनको जो हमारे यहाँ जेल के अंदर क्वारंटाइन की व्यवस्था है और अन्य व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत 12 घंटे 24 घंटे रखा जाए। इस कोरोना काल में कई चीजें ऐसी परिस्थिति जन्य हो रही हैं जो कि की जा रही है। वर्चुअल रैली हो रही है, वर्चुअल सभा हो रही है, तो वर्चुअल कैबिनेट में अचंभित नहीं होना चाहिए हमको। सर, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, सीएम साहब भी पॉजिटिव हैं, अभी उनकी तबीयत कैसी, आपकी अगर बात। आने वाले उपचुनाव में वो युवाओं का नेतृत्व करने वाले हैं, कांग्रेस के अंदर युवाओं का नेतृत्व करेंगे नकुलनाथ, बुजुर्गों का करेंगे कमलनाथ, बाकी कांग्रेस अनाथ। कांग्रेस ने संक्रमण ये इस तरह का है, ये गाहे गवाहे इस संक्रमण के फैलने की लगातार, ऐसा नहीं है कि वो मध्य प्रदेश में या भोपाल में आ रहे हो, पूरे विश्व के अंदर इसका फैलाव हो रहा है। मैं मानता हूँ कि थोड़े समय में, जैसे भोपाल में उसका फैलान का था, वो नियंत्रण में आएगा और शायद इस लॉकडाउन से लाभ होगा। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.